अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट नवंबर के मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ। ये आने वाले आपके एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो तमाम सवालों को गौर से देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, अजाल एयरलाइन हैज रिसेंटली स्टार्टेड डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन टू पाकिस्तान। अजल इज द एयरलाइन ऑफ, अजल एयरलाइन ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए बरह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन अजल किस मुल्क की एयरलाइन का नाम है? तो इसका सही जवाब है अजरबैजान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेजिडेंट अनएनोमसली एग्री टू होल्ड जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान ऑन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ने एक आम इंतखाबात के लिए तारीख का इनाकाद किया है, वो तारीख क्या है? तो इसका सही जवाब है 8 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेट पास्ड रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इमीडिएट सीज फायर ऑफ इसराइल एग्रेशन इन गजा ऑन। सेनेट ने गजा पर इसराइल की जारियत फौरी तौर पर बंद करने की करारदाद मंजूर की है, ये किस डेट को की है? तो इसका सही जवाब है 1 नवम्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। हाल ही में किस मुल्क ने गैर कानूनी तारकीन या गैर कानूनी जो रहशी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉलर हैज बीन अवार्डेड द 2023 बैलून डी ओर अवार्ड। 2023 का बैलून डी ओर अवार्ड किस फुटबॉलर को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू लीड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनूबी मशरक एशिया के इलाके की क्यादत किसको नामजद किया गया है? तो इसका सही जवाब है साइमा, जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दुनिया में जो सुनामी से आगाही का आलमी दिन किस डेट को मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 5 नवम्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट 100 फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी किस प्लेयर ने बनाई है? तो इसका सही जवाब है फखर आलम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट के कैम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ किसने उठाया है? तो इसका सही जवाब है अकील अब्बासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस टू डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव 2024। किस यूरोपीय मुल्क ने 2024 से अपने गोल्डन वीजा के इकदाम को बंद करने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब है नेदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद इंटरनल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्पेक्टोमीटर एक्सपेरिमेंट, जिसको इन्फ्यूज जो एक्सपेरिमेंट किस मुल्क ने किया है? तो इसका सही जवाब है USA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज ऑन द टॉप ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता ममालिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड पाकिस्तान 4 एनुअल डिस्कार्डमेंट रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑन। अकौमी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने पाकिस्तान की 4 साल तकफीफ असला से मुतल्लिक करारदाद मंजूर की है, ये किस डेट को की है? तो इसका सही जवाब है 2 नवम्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश बर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ अलामा मोहम्मद इकबाल वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9 नवंबर 2023। अलामा इकबाल का योम पैदाइश 19 नवंबर 2023 को कौन सी बर्थ यूनिवर्सिटी उनकी मनाई गई है? जिसका सही जवाब है 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 16 ECO समिट वाज हेल्ड इन ताशकंद उज़्बेकिस्तान ऑन। ECO का जो सालाना इजलास है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ, और ये किस डेट को हुआ? जिसका सही जवाब है 9 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पुल्ड आउट ऑफ द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। कौन सा मुल्क यूरोप में रवायती मसल्ला अफवाज के माहदे से निकल गया है? तो इसका सही जवाब है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा क्यूरियसिटी रोवर वाज लॉन्च टू स्टडी विच सेलेस्टियल बॉडी। नासा का जो क्यूरियसिटी रोवर किस आसमानी जिस्म का मुताला करने के लिए रवाना हुआ है? तो इसका सही जवाब है मार्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट टू बी गिवन अ टाइम्ड आउट। बैनुल अक्वानी क्रिकेट में टाइम आउट का जो पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है, जिस खिलाड़ी को आउट किया गया है, तो इसका सही जवाब है मैथ्यूज को। जब विकेट हुई, विकेट के बाद इनका जो स्टंप पे पहुंचने का जो टाइम था वो टाइम आउट हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसकी वजह से इसको मैथ्यूज को श्रीलंका का ताल्लुक है इनके साथ और इनको आउट करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रूलिंग फीमेल हेड ऑफ स्टेट। को दुनिया की सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली खातून सरबराह मुमलिकत कौन है? जिसका सही जवाब है शेख हसीना, जिनका ताल्लुक है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ए न्यू स्टडी
विच स्पीशीज हैज देयर हेड ऑल ओवर इट्स बॉडी। एक नई तहकीक के मुताबिक कौन सी नस्ल जिसका सर उसके पूरे जिस्म में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है स्टार फिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेस द 2-डे समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स, जिसको स्पेस समिट कहा जाता है, ये कहाँ पे हो रहा है, तो इसका सही जवाब है स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर टेकर केपी के चीफ मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान हैज पास अवे ऑन निगरा वजीर आला। खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान का इंतकाल किस डेट को हुआ है, तो इसका सही जवाब है 11 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हैज रिसेंटली सस्पेंडेड विच टीम मेंबरशिप ऑफ द ICC। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में ICC की किस टीम की रुकनियत मुअत्तल कर दी है, तो इसका सही जवाब है श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन अलास्का एयरलाइन विच वाज सीन इन न्यूज इज एन एयरलाइन ऑफ। रोमन अलास्का एयरलाइन जो है ये न्यूज में दिखाई गई है, लेकिन ये किस मुल्क की एयरलाइंस का नाम है, तो इसका सही जवाब है USA की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट फर्स्ट रोबोट CEO, दुनिया के पहले रोबोट CEO का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2023 विच क्रिकेट टीम इज मोस्ट सक्सेसफुल इन ODI वर्ल्ड कप्स। 2023 के मुताबिक कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने ODI के वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैट्समैन हैज ब्रोकन सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ODI सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर का किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा ODI में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली, जिनका भी ताल्लुक भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी टीचर वन द 2023 ग्लोबल टीचर प्राइज। किस पाकिस्तानी उस्ताद ने 2023 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, तो इसका सही जवाब है सिस्टर जेब नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ T20 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मैन क्रिकेट टीम। कप्तान किसे मुकर्रर किया गया पाकिस्तान की T20 टीम का, तो इसका सही जवाब है शाहीन अफरीदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मैन क्रिकेट टीम। पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट टीम है उसका कप्तान किसे मुकर्रर किया गया है, तो इसका सही जवाब है शान मकसूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड बिगेस्ट पोल्यूटर। दुनिया का 2023 के मुताबिक सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क कौन सा है, तो इसका सही जवाब है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैन बॉलिंग कोच और पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो बॉलिंग कोच है वो किसको मुकर्रर किया गया है, तो इसका सही जवाब है उमर गुल और सईद अजमल को। उमर गुल को फास्ट बॉलिंग जबकि सईद अजमल को स्पिनर के लिए मुकर्रर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गजा लार्जेस्ट हॉस्पिटल विच वॉज इंसर्कल्ड बाई इसराइली फोर्सेज। गजा का सबसे बड़ा हस्पताल का नाम क्या है जिसने इसराइली फौज ने घेर लिया था, तो इसका सही जवाब है अल शिफा हॉस्पिटल को घेर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेनिश किसको मुकर्रर किया गया है, तो इसका सही जवाब है पेड्रो शेंटेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का सदर कौन मुंतखब हुआ है, तो इसका सही जवाब है जेवियर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन जो किस खिलाई एजेंसी से वास्ता है, तो इसका सही जवाब है स्पेस एक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर एज द चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक। शुमारियात की दुनिया के मुताबिक मुल्क सबसे जो चीपेस्ट सस्ता मुल्क किस मुल्क को करार दिया गया है, तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का इफ्तिताह किस मुल्क ने किया है, तो इसका सही जवाब है UAE ने। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए जो कि भी पेपर चाहिए या मालूमात इंटरव्यूज के रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।